इसको खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या तरीकाकार है। तो ये है इसके लिए शॉर्ट रास्ता रखा हुआ है मैंने, ये यहाँ से इसको हम खोल कैसे करेंगे। और ये कबूतर मेरे निकलना शुरू हो गए हैं। ये है तरीकाकार, सुबह सवेरे जब मैं इनको खोलता हूँ तो ये इस तरीके से बाहर जाते हैं। देख रहे ये सब कबूतर, ये देखें। और ये अभी बाकी है कुछ ना कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी निकल रहे हैं। ये कबूतर मेरे हैं जो यहाँ से अभी निकल के जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ इनको मैं अभी दोबारा आ जाओ ये आ जाओ शाबाश। ये दोस्तों ये कबूतर मेरे आ चुके हैं और ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें। और ये बिल्कुल मेरे साथ अभी इनको ये कुछ कबूतर भी आए हैं और कुछ अभी ये वापस जा रहे हैं अपने अपने उसी जगह पे। और ये कुछ यहाँ पे है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है जी मेरा किंग कबूतर, जो कि समझ लें इन पूरे कबूतरों का बादशाह है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो है ये मेरा ब्लैक मैग्पाई है, इसकी टांग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे ख्याल में, सर्दी की वजह से एक ज़ख़म हुआ था जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा एक टांग जो है वो इसमें थोड़ा सा ज़ख़म हुआ है। अल्लाह करेगा बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। और ये तो कौवा कबूतर जो कि अंताई इनका बादशाह है, ये आप देख सकते हैं अभी। आओ 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 शाबाश, आ जाओ। ये है जी हमारा शगल जो आप दोस्तों को भी दिखाते हैं और हमारे दिन का। ये देखें ये कितना ये देखा है, इसे कहते हैं जी इसराइली पिजन। ये अंताई तेज़ रफ्तार और तेज़ उड़ने वाले कबूतर हैं ये, और अक्सर ये कबूतरों को मारते भी हैं, ये बहुत सख्त। और ये है जनाब कागानी, एक नंबर इम्पोर्टेड है ये। और ये ज़्यादातर अभी इनकी नस्ल जो है वो नायाब हो चुकी है। तेज़ तरीन कबूतर हैं वो ये हैं। ये अभी पूरा कपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इसकी मादा है और ये इसका नर है। इनमें एक बिल्कुल पहचान नहीं बना कर सकता कि ये इनमें नर कौन सा है और मादा कौन सा है। और इसी तरीके से ये जो कौवा कबूतर है इसकी भी नर और मादा का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सी इसमें नर है और कौन सा मादा है। सेंटीनेट जो है वो जा चुके हैं कहीं, तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये आओ 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 शाबाश। ये